नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। NEWBLHI टीम इंडिया के तेज गेंदबाज शमी बुरी तरह फंस गए हैं। उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर गंभीर धाराओं में कोलकाता में मुकदमा दर्ज करा दिया है। हसीन ने शमी पर दहेज मांगने, दुष्कर्म, मारपीट करने और हत्या के प्रयास आदि जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शमी और परिवारीजन भूमिगत हो गए हैं। सहसपुर अमरोहा में उनके घर ताला लटका है। IG ध्रुव कुमार सिंह ने कहना है कि अभी तक इस मामले में कोलकाता पुलिस ने हमसे संपर्क नहीं किया है। अगर वे मदद मांगेंगे तो पूरा सहयोग किया जाएगा। शमी की पत्नी हसीन जहां की ओर से कोलकाता के जादवपुर थाने में शमी के खिलाफ शिकायत दाखिल की गई थी। कोलकाता पुलिस ने शमी के खिलाफ 498 दहेज से संबंधित घरेलू हिंसा, 323 मारपीट, 307 हत्या की कोशिश, 376 दुष्कर्म, 506 जान से मारने की धमकी, 328 जहर देना और 34 आपराधिक साजिश के तहत सामूहिक अत्याचार के तहत मामला दर्ज किया है। ये सभी धाराएं गैर जमानतीय हैं। शमी के अलावा परिवार के 4 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। खबरों के मुताबिक हसीन ने कहा कि उनको नींद की गोलियां देकर जान से मारने की कोशिश की गई। शमी के एक पाकिस्तानी युवती सहित कई से विवाहेतर संबंध हैं। जब इसका विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई। शमी के पड़ोसियों और ग्रामीणों की माने तो शमी और उसके परिवार ने गुरुवार रात भर बैठकर हसीन को मनाने का निर्णय लिया। आधी रात पूरा परिवार 3 कारों में सवार होकर दिल्ली के लिए चला गया। ग्रामीणों के मुताबिक पूरा परिवार हसीन को मनाने की बात कहते हुए निकला था। सभी का मानना है कि अगर हसीन से बातचीत हो और उसे मना लिया जाए तो मामला सुलझ सकता है, लेकिन हसीन की ओर से केस दर्ज कराने की खबर से आसपास के लोग सन हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट और गिरफ्तारी के भय से ये लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। गुरुवार को शमी ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैच फिक्सिंग के आरोप बेबुनियाद हैं। वह पाकिस्तानी लड़की से कभी नहीं मिले। शमी ने अपनी पत्नी हसीन को सबूत देने की चुनौती दी थी। इस मामले में पलटवार करते हुए हसीन ने शुक्रवार को एक ऑडियो क्लिप जारी कर दिया। ऑडियो के मुताबिक शमी ने खुद को दुबई का बताया था, लेकिन वह पाकिस्तानी युवती से मिलने गया था। वहां एक होटल भी बुक कराया गया था।